हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीरजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि किसी भी लड़के या लड़की के साथ टाइम पास करने के लिए उसके इमोशन से खिलवाड़ ना करें। अगर आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है तो उसके साथ टाइम पास ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब उसको ये सच्चाई पता चलती है कि सामने वाले ने उसके साथ केवल टाइम पास किया है, तो वो अंदर से टूट जाता है और ये बहुत गलत बात होती है। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, आप उनको चुनें। किसी इंसान के साथ टाइम पास ना करें। अगर आपके मन में कुछ उसके लिए फीलिंग नहीं है तो प्लीज टाइम पास करके उसका जीवन बर्बाद ना करें। बहुत सारे साधन हैं, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप किसी के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं तो सामने वाले का जीवन उसी दिन से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और इसका कितना गहरा असर उसके जीवन पर पड़ सकता है, कई लोग आत्महत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती है। बहुत बहुत खराब चीज है। जिसके साथ टाइम पास किया जाता है इस बात को केवल वही महसूस करता है। जो कर रहा है वो तो बच करके निकल लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार सोचिए कि आपके घर में किसी के सदस्य, किसी भी सदस्य के साथ किसी ने ऐसा किया हो तो क्या आप माफ कर देंगे उसे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हमारे भाई या बहन के साथ टाइम पास किया होगा और इसके बाद उसको मन में कुछ था नहीं और केवल टाइम पास करने के लिए उसने बातचीत की, चैटिंग की, और इसके बाद जब उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा तो लगता है ना कि क्या करें, उससे जाकर के पूछें, उसे झकझोरें कि तुमने ऐसा किया क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई और साधन नहीं था, बताया क्यों नहीं तुमने, किसी की फीलिंग से खिलवाड़ क्यों किया। तो इस चीज को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये जीवन बर्बाद कर देता है और दूसरों का जीवन बर्बाद करने का हक किसी के पास नहीं है। जब तक आपके पास किसी के मन में वाकई में कोई फीलिंग नहीं है तब तक आप उसके साथ उसकी भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, समझेंगे इस बात को। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी nirjatripathi203। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।